आज 20 अगस्त भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती के अवसर पर देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बावजूद कांग्रेस नेताओं सहित कई अन्य उनके समाधि स्थल वीरभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस भारी बारिश के बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। सचिन पायलट ने बारिश में भीगते हुए वीरभूमि की परिक्रमा की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने वीरभूमि पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और भांजे के अलावा कई अन्य कांग्रेस नेता भी उपस्थित थे। राजीव गांधी के बारे में बताते चले कि उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। 1984 में उनकी मां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। वह केवल 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनौती रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हमले में लिट्टे ने अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।